सो हेलो गाइस, जियो फाइनेंशियल अपनी क्वार्टर थ्री की रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। चलिए इनके डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की ओर। कंपनी ने अपने नंबर करोड़ में दिए हैं। तो सबसे पहले कंपनी के टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इस बार दिसंबर क्वार्टर में 413 करोड़ 61 लाख रुपए की इनकम देखने को मिल रही है, जहां पर पिछले क्वार्टर टू में 608 करोड़ 4 लाख रुपए थे। तो लगभग कंपनी की इस बार 195 करोड़ रुपए कि इनकम यानी रिवेन्यू गिरती हुई नजर आ रही है, जो कि कंपनी के लिए एक बैड न्यूज है। कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का इस बार एक्सपेंस 98 करोड़ 95 लाख रुपए हुआ था, जबकि क्वार्टर टू में इनका एक्सपेंस 73 लाख रुपए का था। तो अगर हम क्वार्टर टू के मुकाबले क्वार्टर थ्री में देखें तो लगभग कंपनी का एक्सपेंस 27 करोड़ रुपए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कंपनी के लिए एक तो इनकी इनकम जो थी रिवेन्यू वो कम होती हुई नजर आ रही है, वहीं पर इनका जो एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के टोटल प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट 293 करोड़ 82 लाख रुपए है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखें तो लगभग 668 करोड़ 18 लाख रुपए थे। अगर क्वार्टर टू के मुकाबले क्वार्टर थ्री में देखें तो लगभग 375 करोड़ रुपए की गिरावट इनके टोटल प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो चाहे कंपनी की रिवेन्यू हो, एक्सपेंस हो और टोटल प्रॉफिट हो, हर चीज में देखें तो एक तरह से क्वार्टर टू के मुकाबले क्वार्टर थ्री में बेकार रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर का आपके स्टॉक के प्राइस पर जरूर इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसलिए अगर आपके पास जियो फाइनेंशियल के शेयर है तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाएं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।